तो गाइस अब देख सकते हैं ये रहा टेक्नो स्पार्क गो, और यहाँ पे हमारा फ़ोन को हम थोड़ा साइड पे रखते हैं और देखते हैं बाकी के बॉक्स के कंटेंट के क्या है बॉक्स में। और यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे और इसमें वारंटी कार्ड दी है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे टेक्नो का यूज़र मैनुअल, कुछ ज्ञान की बातें, प्लस अंदर आपको देखने मिलता है यूएसबी टाइप सी तो नहीं है, खैर अगर टाइप सी होता तो बेटर रहता है, नॉर्मल केबल है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे हमें एक बेहतरीन टेक्नो की तरफ से 5 वॉट का 1.2 एम्पियर वाला चार्जर देखने को मिलता है। ये एक्चुअली में फास्ट चार्जिंग नहीं है लेकिन इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। और जहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है हमें स्पीकर ग्रिल, और इसको हम रिमूव करेंगे धीरे से ताकि इसका जो लुक है वो आपके सामने आ सके। काफ़ी ग्लॉसी और प्रीमियम लुक है, यहाँ पे कंपनी की ब्रांडिंग दी हुई है पीछे, यहाँ पे आपको दिया है फिंगरप्रिंट, और देखो ये शेड शेडेड आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा लुक है, प्रीमियम लुक है। पीछे आपको जो ड्यूल कैमरा मिलता है विद ड्यूल एलईडी फ्लैश के साथ में राइट साइड पे आपको देखने मिलेगा पावर अनलॉक बटन और वॉल्यूम अप डाउन बटन, प्लस ऊपर की साइड आपको एकदम क्लीन फिनिश मिलती है, कुछ भी नहीं है। और नीचे की साइड जो है वो आपको देखने मिलेगा, सबसे पहले नीचे की साइड पे आपको देखने मिल सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे हम, और नीचे की साइड आपको मिलेगा हमारा प्यारा सा 3.5 mm जैक, प्लस चार्जिंग पोर्ट और माइक्रोफोन। और फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट साइड पे आपको देखने मिलेगा यहाँ पे नॉच, और ये कंपनी का बहुत ही अच्छा एक प्रोसीजर है कि इस फ़ोन में आपको इनबिल्ट स्क्रीन गार्ड चढ़ा हुआ मिला है, ठीक है। तो अब हम इसको बूट करते हैं और देखते हैं क्या है इस फ़ोन में खास, तो लेट्स हैव अ लुक। तब तक ये मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और आप लोग देखते रहिए। तो जब तक ये ऑन हो रहा है तब तक हम इसके बैक पैनल को ऑन करके आपको दिखा देते हैं। वैसे ये हो गया है, हाई ओएस करके लिख कर आया है, और इसमें ये रहा आपको अंदर मेंशन किया गया है 5000 mAh की बैटरी। यहाँ पे आप दो सिम कार्ड डाल सकते हैं, आप देख सकते हैं दो नैनो सिम कार्ड डालेंगे, और यहाँ पे आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, पॉलीकार्बोनेट फिनिश वाला ये बैक है, लेकिन इस प्राइस रेंज के हिसाब से मैं तो कहूँगा ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और फ्रंट साइड से आप देखते हैं हम, सो राइट नाउ चेकिंग फॉर अपडेट्स, दिस मे टेक अ फ्यू मिनट्स, सो इसको होने देते हैं और उसके बाद हम अंदर के फीचर्स देखेंगे। सो गाइज हम आ गए हैं मेन पैनल पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मूथनेस जो है इसका, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, और यहाँ से आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन पैनल फॉर वी वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड, प्लस आप इसके अंदर सेटिंग में जाके देखेंगे। और उसके बाद स्टोरेज आप देख सकते हैं, जैसे कंपनी की तरफ से देख सकते हैं 2 GB रैम आपको मिल रही है और 32 GB का स्टोरेज मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ से सो आप देख सकते हैं, सो ये इस तरीके का आपको जो है इसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स है। बाद में आपको देख सकते हैं कैमरा जो क्वालिटी है आपको चेक करवा देता हूँ मैं, कैमरा जो है इसका काफ़ी अच्छा है। अब ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ तो ओके, कैमरा क्वालिटी तो या डेफिनेटली अच्छी है। अभी क्लिक करते हैं तभी पता चलेगा कि कैसी इसकी जो क्वालिटी है, कैमरा क्वालिटी आ रही है। तो या आप देख सकते हैं मतलब माइनर से माइनर इस प्राइस रेंज के हिसाब से इसका कैमरा जो है वो काफ़ी बढ़िया है। और एक बार हम फ्रंट कैमरा भी देख लेते हैं, तो फ्रंट कैमरे में आप देख सकते हैं यो कैसे हमने देखो ये जुगाड़ लगाया है। और फ्रंट कैमरा में भी एक अच्छा सा क्लिक करते हैं, डैडी का फोन आ रहा है भैया, तो गाइस ये फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, डिटेलिंग काफ़ी अच्छी बढ़िया है, इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा फ़ोन है। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये फ़ोन टेक्नो स्पार्क 2020। अगर आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त देता हूँ, मेरा नाम है शाहरुख, आप देख रहे थे SRK चैनल, नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद।